नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। साथियों, आज हम BTER के बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सिलेबस और इलेक्ट्रॉनिक थर्ड ईयर के सिलेबस एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का एक टॉपिक है टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, वो पढ़ेंगे। साथियों, कम्युनिकेशन के लिए जो मेन फैक्टर है वो है सिग्नल को ट्रांसमिट करना। सोर्स से डेस्टिनेशन पर सिग्नल ट्रांसमिट होना चाहिए, ये हमारा कम्युनिकेशन होता है। लेकिन अगर एक से अधिक सोर्स हमारे एक से अधिक ट्रांसमीटर्स एक से अधिक सोर्स एक से अधिक डेस्टिनेशंस हो और चैनल जिसके थ्रू हमारा जो सिग्नल ट्रांसमिट होना है वो सिंगल हो या एक ही हो, तो उस कंडीशन के अंदर कौन सा ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा या कौन सा सोर्स ट्रांसमिट करेगा और किस डेस्टिनेशन के लिए करेगा, इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। उन टेक्निक्स को हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। सब इसका जो डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन है, वो है कि व्हेन द बैंडविड्थ ऑफ ए मीडियम इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू द चैनल, ए मीडियम कैन बी शेयर्ड बाय मोर देन वन चैनल ऑफ सिग्नल्स। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल चैनल कैपेसिटी इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। यानी जब हमारे मीडियम की बैंडविड्थ इंडिविजुअल सिग्नल की बैंडविड्थ से अधिक हो जो कि एक चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होना है, तो हम उस मीडियम को उस मीडिया को हम शेयर कर सकते हैं मोर देन वन चैनल ऑफ ए सिग्नल। हर सिग्नल के लिए एक एक चैनल करके हम उसे शेयर कर सकते हैं और इस प्रोसेस को इफेक्टिवली यूज़ करने के तरीके को, ये जितने भी अवेलेबल चैनल कैपेसिटी है उसको यूज़ करने के तरीके को इफेक्टिवली यूज़ कर सकें, उसको हम मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग इज द सेट ऑफ टेक्निक्स दैट अलाउ द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल अक्रॉस ए सिग्नल सिंगल डेटा लिंक। ये एक और डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम साइमल्टेनियसली डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं, मल्टीपल सिग्नल्स को एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं एक सिंगल डाटा लिंक पर। इसके लिए जो मेन यूज होता है वो होता है मल्टीप्लेक्सर्स और डी मल्टीप्लेक्सर्स का। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर एक डिवाइस होता है दैट कंबाइंस सेवरल सिग्नल्स इनटू ए सिग्नल, यानी मेनी टू वन, यानी काफ़ी से एक से ज़्यादा एक से अधिक सिग्नल्स को, एन नंबर ऑफ सिग्नल्स को वो एक सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डी मल्टीप्लेक्सर इसका उल्टा करता है, यानी सिंगल सिग्नल को मैनी सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। आप ये डायग्राम से देख सकते हैं, अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग नहीं कर सकते तो एक सिस्टम ट्रांसमीटर एक डेस्टिनेशन से एक सोर्स एक डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट कर पाएगा, लेकिन मान लीजिए एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं तो वन उसे जब भी ट्रांसमिट सिग्नल को करना होगा, सिग्नल को एक नंबर का मान लीजिए जो सोर्स है उसे एन नंबर के सिग्नल से कम्युनिकेट करना है, तो उसे हर बार नया चैनल वहाँ के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो वायर्ड या वायरलेस जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उसका एक जाल हो जाएगा, नेट हो जाएगा, कन्फ्यूजन। और दूसरे एंड पर हम देखें, एक और डायग्राम है इसी में जिसमें मक्स और डीमक्स यूज़ किए हुए हैं। चार डिवाइसेस हैं वो मल्टीप्लेक्सर से कनेक्टेड हैं और वो सारे के सारे इस मक्स से कनेक्ट होकर एक सिंगल थ्रू के एक चैनल के थ्रू डीमक्स से कनेक्टेड है और उस डीमक्स पर भी चार हमारे दूसरे टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं। ये बहुत अच्छा सा डायग्राम है, इसमें हम मल्टीपल सिग्नल्स को डाटा डिवाइसेस हैं उनको एक चैनल के थ्रू दूसरे एंड पर कनेक्ट कर रखे हैं, करा हुआ है, और ये इंडिविजुअली कोई भी कभी भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, बशर्ते इनको कुछ प्रोटोकॉल्स कुछ टेक्निक्स को यूज़ करना होगा, जैसे TDM, FDM, etc. ये इस तरह से देखिए,
अगर हम तीन डिवाइसेस हैं तो देख सकते हैं ऊपर वाले उसमें डायग्राम में कि अगर हम हमारे पास तीन डिवाइसेस हैं तो तीन डिवाइसेस एक एक से कनेक्टेड है। अगर हम इसी को मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू कनेक्ट करें तो हम तीनों को किसी से भी कनेक्ट करवा सकते हैं। सिमिलरली एक हम लोग कंप्यूटर जो बेसिकली घर के अंदर जो सिस्टम्स यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन भी है, टेलीफोन भी है, फैक्स भी है, कंप्यूटर भी है, लैपटॉप्स भी हैं, सब कुछ है, उनको हम एक सिंगल मॉडेम के थ्रू या हमारी वायर लाइन के ऊपर या ऑप्टिकल फाइबर पे हम उसको ट्रांसमिट करते हैं और वहाँ से डेटा ट्रांसमिट और रिसेप्शन करते हैं। इसे हम मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस ही कहते हैं। सो मल्टीप्लेक्सिंग कितने तरह की होती है ये देखें, मल्टीप्लेक्सिंग दो तरह की होती है, एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग FDM फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी, और WDM वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके अलावा डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग होती है TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। हम ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ेंगे जो कि एक डिजिटल टेक्निक है। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को हम कॉमनली TDM के नाम से डेजिग्नेट करते हैं। TDM असाइंस टाइम स्लोस टू ईच चैनल रिपीटेडली, यानी TDM के अंदर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो पूरा चैनल है, पूरे चैनल की बैंडविड्थ है, वो टाइम के हिसाब से टाइम के स्लॉट्स बनाए जाते हैं और उन स्लॉट्स को हर इंडिविजुअल यूज़र को दे दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग इन टाइम सिंपली मीन्स ट्रांसमिटिंग एन आइटम फ्रॉम वन सोर्स देन ट्रांसमिटिंग एन आइटम फ्रॉम अनदर सोर्स एंड सो ऑन इन गिवन टाइम स्लॉट। यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर एक सोर्स अपने टाइम स्लॉट के अंदर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, दूसरा नेक्स्ट टाइम स्लॉट में, तीसरा उसके बाद में, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारे सोर्सेज के पास टाइम स्लॉट्स हैं। जितने हमारे सोर्सेज हैं उतने ही हमें उस चैनल के अंदर टाइम स्लॉट्स करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास चार सोर्सेज हैं तो चार सोर्सेज को हम एक एक टाइम स्लॉट्स, उस चैनल को चार टाइम स्लॉट्स के अंदर ब्रेकअप कर देंगे और उन टाइम स्लॉट्स को एक एक सोर्स को अलॉट कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे पास सेंडर 1, 2, 3, 4 एंड N है। हमने इसको मल्टीप्लेक्सर के थ्रू एक कॉमन चैनल पर ट्रांसमिट किया है। यहाँ ये डाटा फ्लो दिखा रहा है कि पहले 3, 2, 1 देन N, और ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। सेकंड हैंड पर राइट हैंड साइड पर देखिए आप डी मल्टीप्लेक्सर है, उस पर रिसीवर 1, 2, 3 एंड N तक है और ये सिग्नल इसी तरह से कम्युनिकेट करते हैं। जब सेंडर फर्स्ट का टाइम स्लॉट आता है तो सेंडर 1 ट्रांसमिट करता है सिग्नल और तब बाकी सारे सेंडर्स वो जो आइडल हो जाते हैं। जब सेंडर 1 का जो स्लॉट है टाइम स्लॉट ख़त्म हो जाता है तब टाइम स्लॉट सेकंड का शुरू होता है और वो फिर टाइम सेकंड अलाउ होता है चैनल की पूरी बैंडविड्थ को यूज़ करने के लिए, और चैनल सेंडर 2 अपना जो भी डेटा उसको ट्रांसमिट करता है रिसीवर के लिए। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है और डाटा ट्रांसमिशन होता रहता है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज अ डिजिटल प्रोसेस दैट कैन बी अप्लाइड व्हेन द डाटा रेट कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम इज ग्रेटर देन द डाटा रेट रिक्वायर्ड बाय द सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस। ऑफ कोर्स जब हमारे पास जो रिसीवर और ट्रांसमिशन सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेज हैं उनकी जो डेटा रेट हमारे जो ट्रांसमिशन मीडिया से लो होती हैं तब हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा कि इसको अगर हम नटशेल में बात करें तो यूँ देखा जाता है कि अगर हमारे पास जितने भी जो यूज़र्स हैं वो यूज़र्स अपने अपने बारी का वेट करते हैं और जब उनका टाइम स्लॉट आता है वो तभी सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, और एक जो रिसोर्स होता है वो एक बार में एक सोर्स ही पूरे चैनल को ऑक्यूपाई करके चलता है, यानी पूरी बैंडविड्थ उस समय उसी की होती है और इस तरह से वो अपने पूरे यूटिलाइजेशन ऑफ फुल बैंडविड्थ उसके पास होता है। नेक्स्ट इसमें आगे बात करें तो जो TDM है वो दो तरीके का होता है, सिंक्रोनस TDM एंड असिंक्रोनस TDM। BTER के सिलेबस में सिंक्रोनस TDM है,
तो सिंक्रोनस टीडीएम क्या होता है? इन सिंक्रोनस टीडीएम यानी सिंक्रोनस स्टैंड इज ए मल्टीप्लेक्सिंग, द टर्म सिंक्रोनस मीन्स दैट द मल्टीप्लेक्सर एलोकेट्स एग्जैक्टली द सेम टाइम स्लॉट्स टू ईच डिवाइस एट ऑल टाइम वेदर और नॉट अ डिवाइस हैज एनीथिंग टू ट्रांसमिट। हमारे पास सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस टीडीएम दो तरह के टीडीएम सिस्टम्स होते हैं। सिंक्रोनस टीडीएम सिस्टम में क्या होता है कि जो भी यूजर्स हमारे सेंडर्स हैं उन यूजर्स को एक फिक्स टाइम स्लॉट हम दे देते हैं और सबको बराबर का टाइम स्लॉट अलाउड एलोकेट होता है। अब मान लीजिए हमारे पास चार सेंडर्स हैं, 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट ने अपने टाइम स्लॉट के अंदर डाटा ट्रांसमिशन किया, सेकंड ने किया, लेकिन बाय द वे थर्ड के पास कोई डाटा ट्रांसमिट करने के लिए नहीं है, तो भी उसको वो स्लॉट मिला ही रहेगा, वो ऑक्यूपाई रहेगा, यानी उस समय हमारा जो चैनल है वो आइडल चलेगा, उसमें कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे थर्ड नंबर के सेंडर के पास कोई डाटा ट्रांसमिट करने के लिए है ही नहीं। और उसके बाद में जब डाटा थर्ड वाले सेंडर का स्लॉट ख़त्म होगा तब हमारे फोर्थ वाले सेंडर का स्लॉट चालू होगा। तो इस तरह से सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में ये ड्रॉबैक है कि जब अगर हमारे पास कोई डिवाइस है उसके पास डाटा ट्रांसमिशन के लिए नहीं है तो भी उसको हमें इक्वल टाइम स्लॉट देना ही होगा। नेक्स्ट इसके अंदर एक टर्म आती है बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रेम्स। टाइम स्लॉट्स आर ग्रुप्ड इनटू फ्रेम्स। ए फ्रेम कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट साइकिल ऑफ टाइम स्लॉट इन इंक्लूडिंग वन और मोर स्लॉट्स डेडिकेट टू ईच सेंडिंग डिवाइस। फ्रेम्स क्या होते हैं? हमारे पास सपोज चार हमारे वो सेंडर्स हैं तो चार को जो टाइम है, मान लीजिए चार हमारे पास सेंडर्स हैं और सबको हमने दो दो मिनट दिए हैं, तो ऐसा करके हमारे पास दो 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 फॉर ए, दो फॉर बी, दो सेकेंड, दो मिनट फॉर सी एंड दो मिनट फॉर डी, ऐसा करके हमारे पास चार टाइम स्लॉट्स बन जाएंगे दो दो मिनट के, तो ये टोटल हो गया एक 8 मिनट का फ्रेम बन गया, जैसे ये डायग्राम में शो हो रहा है। देखिए हमारे पास यहाँ 5 सेंडर्स हैं, 5 इनपुट साइड्स हैं जो कनेक्टेड है मक्स से, तो एक जो सिंगल फ्रेम बना वो 5 टाइम स्लॉट्स का एक फ्रेम बना। इस तरह से जब तक ये पूरा फ्रेम कंप्लीट नहीं होता नेक्स्ट फ्रेम जनरेट नहीं होता, और वो जो जनरेट होगा नेक्स्ट फ्रेम वो भी उसी सीक्वेंस में होगा जिस सीक्वेंस में फर्स्ट वाला फ्रेम बन के गया है। यानी अगर 1, 2, 3, 4, 5 ये सीक्वेंस है तो नेक्स्ट सीक्वेंस में भी 1, 2, 3, 4, 5 ही होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि हम 3, 2, 1, 4, 5 इस तरह से कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, 1, 2, 3, 4, 5 ही ये होगा। और जब तक ये पांचों का स्लॉट तैयार नहीं होगा तब तक हमारा फ्रेम तैयार नहीं होगा, और इन पांचों के स्लॉट को मिलाकर ही ये फ्रेम बोला जाता है एक फ्रेम। ये सिंक्रोनस टीडीएम है 4 सिस्टम के साथ, आप देख सकते हैं इसके अंदर 2, 1, 4, 3 फिर 2, 1, 4, 3 फिर 2, 1, 4, 3, ये एक फ्रेम बना हुआ है 2, 1, 4, 3 का, यानी सबसे पहले 3 फिर 4 फिर 1 फिर 2, फिर जो नेक्स्ट फ्रेम आएगा उसके अंदर फिर से सबसे पहले 3, 4, 1, 2, फिर जो नेक्स्ट फ्रेम आएगा उसमें फिर से 3, 4, 1, 2, यानी सबसे पहले थर्ड नंबर का सेंडर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, उसके बाद में फोर्थ वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर सेकेंड वाला, उसके बाद में फिर ये फ्रेम कंप्लीट होने के बाद में फिर से नेक्स्ट फ्रेम रिपीट होगा। तो ये हमारा सिंक्रोनस टीडीएम है विद 4 सिस्टम। प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम विद सिंक्रोनस टीडीएम अनफिल्ड स्लॉट्स, ये जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, मान लीजिए हमारे पास चार यूजर्स हैं, चार सेंडर्स हैं, ए 1, 2, 3, 4, 1 के पास A1, A2, A3 डेटा है, 2 के पास B2 फिर डैश फिर B3, 3 के पास C1 फिर डैश डैश, और 4th के पास डैश D2, D3, इस तरह से है। यानी A तो अपना पूरा टाइम स्लॉट यूज़ करेगा, B के पास एक स्लॉट के अंदर कुछ नहीं है, C के अंदर 2 स्लॉट्स में कुछ नहीं है, और D के जो 4th वाला है उसके अंदर उसके पास भी एक स्लॉट में कोई डाटा ट्रांसमिट करने के लिए नहीं है। लेकिन सिंक्रोनस टीडीएम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उनके फ्रेम्स हमें खाली छोड़ने ही पड़ेंगे,
तो इस तरह से देखिए हमारा सबसे पहले गया A1, फिर B1, फिर देखिए C1, सी थर्ड वाले पे कोई हमारे पास वो नहीं है, स्लॉट नहीं है, स्लॉट के अंदर खाली जाएगा क्योंकि उसके पास कोई डाटा नहीं है, इसलिए वो स्लॉट खाली गया। फिर आया D1, फिर A2, फिर देखिए B सेकंड वाले के स्लॉट खाली है इसलिए डैश खाली है। C के अंदर भी हमारे पास यानी थर्ड वाले सेंडर के लिए भी कोई डाटा नहीं है इसलिए वो भी खाली है। फिर D2, फिर उसके बाद में A3, B3, C1, देन डैश, क्योंकि हमारे पास फोर्थ वाले सेंडर के पास खाली। अब ये जो खाली स्लॉट गए इसमें हमारा जो चैनल था वो आइडल था, उसमें कोई डाटा ट्रांसमिशन नहीं हुआ, ये इसका ड्रॉबैक है। ये इस तरह से फ्रेम्स बनते हैं, देखिए 3T 3T 3T, तीन तीन थ्री थ्री टाइम का ये स्लॉट है। तीन हमारे पास मान लीजिए सेंडर्स हैं A, B एंड C, तो देखिए पहला फ्रेम है A3, B3, C3, A1 डैश, फिर C1, क्योंकि B के पास कोई डाटा था नहीं सेंड करने के लिए। सेकंड फ्रेम के अंदर देखिए A2, B2 एंड देन M3। फ्रेम 3 के अंदर तीनों यूज़ हो रहे हैं क्योंकि A3, B3 और C3 तीनों पर ही डाटा थे सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए। एडवांटेजेस ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि हमारे पास ये है कि हम ये तो सिंक्रोनस TDM की बात अलग है, बाकी एसिंक्रोनस के अंदर भी हम ये कर सकते हैं कि हम जो टाइम स्लॉट है जिसका आइडियल चल रहा है उसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा है इसका एडवांटेज, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सर्किटरी इज नॉट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, सिंपल सर्किटरी होती है। प्रॉब्लम क्रॉसटॉक इज नॉट सीवियर, देखिए ये क्रॉसटॉक की प्रॉब्लम तब होती है जब दो चैनल्स या दो यूजर्स एक साथ सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो एक चैनल पर या एडजेसेंट चैनल्स पर, तब ये प्रॉब्लम क्रॉसटॉक की होती है। लेकिन यहाँ तो जो TDM होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ना के बराबर है, क्योंकि एक यूज़र जब सिर्फ अपने टाइम स्लॉट के अंदर ही सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जब नेक्स्ट को अगर करना है तो उसका वो जो नेक्स्ट टाइम स्लॉट आएगा तभी करेगा, तो इसमें क्रॉसटॉक की जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर हो जाती है। फुल अवेलेबल चैनल बैंडविड्थ कैन बी यूटिलाइज फॉर ईच चैनल, जैसा कि बात किया कि हम मान लीजिए तीन चैनल हमारे तीन सोर्सेज हैं हमारे पास, तो हर एक सोर्स को एक टाइम स्लॉट मिलेगा, उस टाइम स्लॉट के अंदर वो पूरा का पूरा जो चैनल बैंडविड्थ है वो उस पर्टिकुलर सोर्स को हैंड ओवर कर दिया जाता है उस स्लॉट के लिए, तो वो पूरे चैनल की बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर सकता है। ये इसके एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस, सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत आम है, ये इसके अंदर होना चाहिए कि पहले कौन सा सेंडर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, फ्रेम जो है वो फ्रेम पर्टिकुलर होने चाहिए, उसके अंदर जो सीक्वेंस एक बार है वही सीक्वेंस में हमेशा फ्रेम्स चलने चाहिए, तो ये सिंक्रोनाइजिंग की प्रॉब्लम रहती है। कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंटेशन में कॉम्प्लेक्सिटी है, तो टाइम स्लॉट किसको पहले मिलेगा किसको बाद में मिलेगा ये कॉन्फ्लिक्स होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट ये भी है। एल्गोरिथम बेस्ड होता है सारा कुछ। ड्यू टू स्लो नैरो बैंड फेडिंग ऑल द TDM चैनल्स में गेट वाइप्ड आउट, जो स्लो नैरो बैंड फेडिंग होती है उसकी वजह से चैनल्स वाइप्ड आउट हो सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी रहती है। इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें तो बेसिकली जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है ये टेलीफोन लाइंस में यूज होता है, इट इज यूज्ड इन ISDN टेलीफोन लाइंस, यूज्ड इन PSTN पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क्स, इट इज यूज्ड फॉर सम स्पेशल टेलीफोन सिस्टम्स एंड यूज फॉर वायरलाइन टेलीफोन लाइंस, तो बेसिकली इसका जो यूज है वो टेलीफोन सिस्टम में ही होता है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में ही होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद।